हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ल्ड विद आरजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 से चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, मतलब जो फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम हैमल हैड आस्क्ड द क्लास टू रिवाइज द ग्रामर टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल फॉर अ टेस्ट। के जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने क्लास में पार्टिसिपल टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दिया था और जिसका टेस्ट होना था। फ्रेंच डिड नॉट नो पार्टिसिपल एंड फियर्ड द स्कॉल्डरिंग, जो फ्रांस था उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो स्कॉल्डरिंग से डर रहा था, मतलब कि डांट खाने से डर रहा था। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो भी तभी जो फ्रेंच था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ द मदर टंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन, मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट डज एम हैमल द टीचर से अबाउट इट, जो एम हैमल टीचर है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टंग इज़ द कॉमन फैक्टर विच यूनिट द कंट्री मैन, मतलब कि जो हमारी मदर टंग होती है वह सामान्य कारक है किसी भी देश के लिए, मतलब कि किसी भी देशवासी के लिए। एम हैमल मेड द विलेजर्स रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग, जो एम हैमल थे उन्होंने जो विलेजर्स होते थे, गांव के लोग होते थे, उनको जो हमारी मदर टंग है उसकी इम्पॉर्टेंस बताने के लिए उन्हें बुलाया था। ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर मदर टंग, उन्होंने जो है मदर टंग की ब्यूटी, मतलब कि उसकी खूबसूरती के बारे में बताया था। द फ्रेंच लैंग्वेज, जो उनकी मदर टंग थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। ही आस्क द क्लास टू गार्ड इट बिकॉज इट वॉज द की ऑफ द देयर फ्रीडम, उन्होंने क्लास से कहा कि आप सभी अपनी मदर टंग फ्रेंच भाषा को याद रखिएगा क्योंकि यही हमारी स्वतंत्रता की चाबी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेजर्स अटेंड द लास्ट लेसन, मतलब कि जो गांव के बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने आखिरी पार्ट में क्यों शामिल हुए थे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन हैड ऑर्डर्ड द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नो लॉन्गर बी टॉट अक्रॉस स्कूल इन एलेंस एंड लॉरेंस, बल्कि जो बर्लिन था उसने आदेश दिया था कि एलेंस और लॉरेंस के पूरे स्कूलों में फ्रेंच भाषा अब नहीं सिखाई जाएगी, अब नहीं पढ़ाई जाएगा। द विलेज एल्डर्स वर प्रेजेंट इन द क्लास विच वॉज द लास्ट क्लास ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जो विलेज के एल्डर्स थे, जो विलेज के बुजुर्ग लोग थे, वो जो फ्रेंच भाषा की लास्ट क्लास थी उसमें वो शामिल हुए थे। दे वर देयर टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचर, वो टीचर जो थे एम हैमल उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे, हु हैड टॉट देयर फॉर 40 ईयर्स, जो कि उन्हें 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। दे रिग्रेट नॉट हैविंग अटेंड स्कूल इन देयर चाइल्डहुड, वो अपने जो बुजुर्ग लोग थे वो अपने बचपन में स्कूल ना जाने के लिए बहुत ही पछतावा फील कर रहे थे, मतलब कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वर्ड डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, व्हाट डिड दे मीन, मतलब कि जो एम हैमल थे टीचर थे उन्होंने क्लास को खारिज करने से पहले बोर्ड पे क्या लिखा था, व्हाट डिड दे मीन, और उसका क्या मतलब था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर डिसमिसिंग द क्लास एम हैमल रोट द फॉलोइंग वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब कि बिफोर द क्लास को खारिज करने से पहले एम हैमल ने जो है कौन से ब्लैक बोर्ड पे वर्ड लिखे थे। वाया ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, बल्कि उन्होंने लिखा वायला फ्रांस लिखा था, जिसका मीन्स होता है कि फ्रांस अमर रहे या लॉन्ग लिव फ्रांस। इट वॉज अ वे ऑफ शोइंग हिज लव एंड सपोर्ट टूवर्ड हिज मदर टंग एंड हिज कंट्री, मतलब कि ये एक तरीका था उनका अपना प्यार और अपना सपोर्ट शो करने का अपनी कंट्री और अपनी मदर टंग को, मतलब कि अपनी मातृभाषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग अबाउट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, मतलब कि जो हमारा लास्ट लेसन था, आखिरी पार्ट था, उस दिन बर्लिन के आदेश में क्या बदलाव हुए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल, मतलब हो जाएगा कि बर्लिन के आदेश ने स्कूली जीवन की सभी हलचल, मतलब कि हस्टल बस्टल होता है भागम भाग को, मतलब कि जैसे ये ऑर्डर है तो स्कूल की सारी भागम भाग हलचल पूरा एकदम शांत हो गया। द टीचर एम हैमल वॉज काइंड टूवर्ड हिज स्टूडेंट एंड टॉट हिम मोर पेशेंस, जो टीचर थे एम हैमल वो स्टूडेंट के प्रति बहुत ही काइंड हो गए
बहुत ही दयालु हो गए और उनसे बहुत ही पेशेंस से बात करने लगे, उनको पढ़ाने लगे। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव एंड कंसर्न अबाउट एजुकेशन, और जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव और कंसर्न हो गए अपनी पढ़ाई के प्रति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड डिफरेंटली डैट डे, वाई, बल्कि जो एम हैमल है वो कैसे अलग कपड़े पहने थे, उन्होंने किस टाइप के अलग कपड़े पहने थे और क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा एम हैमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज स्पेशल ड्रेस डैट ही वोर ऑन अ फ्यू ओकेशंस। जो एम हैमल थे उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस पहनी थी जो कि वो कभी कभी ओकेशंस पे पहनते थे। इट कंसिस्ट ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने एक ब्यूटीफुल बल्कि सुंदर हरा कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्की ब्लैक कैप लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे। ही वोर द स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन डैट ही वुड डिलीवर इन द स्कूल वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 डेज। बल्कि उन्होंने ये स्पेशल ड्रेस इसलिए पहने थी क्योंकि वो जहाँ पर 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे वहाँ पर उनका आज पढ़ाने का आखिरी दिन था, इसीलिए उन्होंने इतनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एम हैमल मेक हिज लास्ट लेसन अ स्पेशल वन। जो एम हैमल थे टीचर थे, उन्होंने लास्ट लेसन आखिरी अध्याय को कैसे स्पेशल बनाया, वॉट डिड ही इम्फोसाइज ऑन इन इट, और उन्होंने इसके आकार को कैसे प्रभावपूर्ण बनाया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एम हैमल मेड द लास्ट लेसन बाय वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस टू द क्लास, मगर जो एम हैमल थे उन्होंने जिस दिन ये लास्ट लेसन दे रहा था उस दिन वो बहुत ही स्पेशल ड्रेस पहन के आए थे, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप ये पहन के आए थे। ही गॉट टू कॉपीज फॉर द स्टूडेंट विच हैड द वर्ड फ्रांस एलेंस ब्यूटीफुल ऑन देम, उन्होंने कुछ किताब कॉपीज लाए थे जो कि बहुत ही सुंदर थी और जिन पर फ्रांस और एलेंस की प्रतियां थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। इसका मतलब है कि फ्रांस ने इस घोषणा पर क्या प्रतिक्रिया दी कि यह उसका आखिरी अध्याय है, बल्कि आखिरी फ्रांसीसी लेसन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेंच वॉज शॉक टू नो दैट ही कुड नॉट लर्न फ्रेंच एनीमोर। जो फ्रांस था जब उसने यह सुना कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज और नहीं सीख सकता तो उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा। ही रिपेटेंटेड दैट ही हैड नॉट बीन सीरियस बिफोर, कि उसने ये महसूस किया कि वो इससे पहले कभी भी सीरियस नहीं हुआ है पढ़ाई के प्रति। ही विश्ड ही हैड रिवाइज्ड पार्टिसिपल एंड वुड बी एबल टू आंसर एम हैमल्स क्वेश्चन। वह विश करता है अंदर अंदर कि मतलब कि वो जो पार्टिसिपल है उसे अच्छी तरीके से एम हैमल को बता सके, मतलब कि जब एम हैमल उनसे क्वेश्चन पूछे पार्टिसिपल के ऊपर तो वो अच्छे से उन्हें उसका आंसर दे सके। फ्रेंच गेन्ड अ सडन लाइकिंग फॉर हिज टीचर एंड डिड नॉट वॉन्ट टू हिम टू लीव, बल्कि फ्रेंच गेन्ड बल्कि फ्रांस को अचानक ही जो एम हैमल थे उनसे बहुत ही प्यार हो गया, मतलब कि वो उन्हें बहुत ही मानने लगा, पसंद करने लगा और वो अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि अब वो नहीं चाहता था कि जो ये टीचर है हमारे ये हमको छोड़ के जाए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।